दोस्तों नमस्कार, मैं दितेश आप सबका स्वागत कर रहा हूँ। और ये कोई ब्लॉग नहीं है, ये थोड़ा सा मेरे मन के भड़ास है या यूँ कहें कि रिस्पेक्ट है किसी के लिए। मैं आपको बता दूँ, आजकल एक टॉपिक चल रहा है, ट्रेंडिंग टॉपिक, रानू दी। आप लोगों को पता होगा, आप लोगों ने टिकटॉक फेसबुक कहीं तो देखा ही होगा, 100% ये गारंटी है। नहीं देखा होगा तो मैं आपको थोड़ा सा एक परिचय दे दूँ कि एक क्या कहें, माता जी हैं या दीदी हैं, जो भी है, रानू दी नाम की, जो कलकत्ता से हैं और वो बहुत बैकवर्ड एरिया की हैं, और वहाँ से एक प्लेटफॉर्म में वो सिंगिंग करती थी और कुछ पैसे उससे कमा के, मतलब थोड़े मोड़े, जैसे कोई भी आया दे दिया कुछ गाना गाते समय देखते हुए, तो वो ऐसे करके वो कुछ पैसे वैसे कमाती थी और उससे उनका रोजी रोटी चल रहा था। लेकिन वो गाना जो गाती थी ना, बिल्कुल लता मंगेशकर की आवाज़ में। और इसी बीच में उनको मिल गए अतेंद्र चक्रवर्ती, मिल गए अतेंद्र चक्रवर्ती ने इनका एक छोटा सा वीडियो क्लिप उठाया और फेसबुक पर डाल दिया। इतनी वायरल हो गई कि दो दिनों में इनके मिलियंस ऑफ व्यू आने लगे। उसी में इनको मिल गए हमारे हिमेश रेशमिया जी, जिन्होंने इनको एक दे दिया चांस। और अगला जो गाना आ रहा है डेब्यू सॉन्ग, वो आप देख सकते हैं प्ले हो रहा होगा। तो ये आपने फोटो देखा समझ गया होंगे। और अभी जो प्ले हो रहा है, ये मैं बता दूं कि इनको एक डेब्यू सॉन्ग के लिए मिल गया है प्लेटफॉर्म, और एक बहुत जल्दी एल्बम, अब तक आप वीडियो देख रहे हो तो एल्बम शायद आ चुका होगा। तो सैल्यूट है हिमेश रेशमिया जी को, अतेंद्र भाई को, कि आप लोगों ने इनको प्लेटफॉर्म दिलाया। आपको मैं ये कहना चाह रहा हूँ, सोशल मीडिया का पावर आपने देख लिया, सोशल मीडिया में क्या दम होता है, बहुत पावरफुल है सोशल मीडिया, कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। तो मैं उन लोगों से कहना चाह रहा हूँ जो लोग टिकटॉक पे इनके मेम्स बना रहे हैं, कुछ भी लेकर के, चाय छन्नी लेकर के गाना गा रहे हैं, तेरी मेरी मेरी तेरी कहानी, प्लीज़ मेरे भाई मत करो ऐसा, कुछ अलग करो ना, अपना खुद का कॉन्टेंट लाओ, कुछ भी लाओ, पक्का फेमस होंगे, पक्का वायरल होगा, पक्का लोग आपको पसंद करेंगे। लेकिन आज आप सोच रहे हैं कि अगर आप ये सब जो फनी में भी आप इतना गंदा वायरल वल्गर चीज़ें दे रहे हैं कि एक क्या कहें कि अधेड़ उम्र की महिला, या आप अपने माताजी या दादी को लेकर के आ रहे हैं और वो गाना गवा रहे हैं, व्यूज़ आ रहे हैं, लेकिन ये कितने दिनों तक, कितने दिन ये फॉलोवर आपके रेगुलर रहेंगे। मेरा कहना है कि थोड़ा सा इन सब चीज़ों से हट के कुछ अच्छा करिए, देखिए फिर आप फेमस भी होंगे, फॉलोअर्स भी बढ़ेंगे। मेरा कहना है कि सिर्फ उनका रिस्पेक्ट तो करिए, जो उस एज पे कर ले रही हैं, गाना गा ले रही हैं, उतना तो आप करके दिखाओ। आपको सिर्फ व्यू से मतलब है टिकटॉक पे, या वीगो है, लाइक है, मैं सब में वही देख रहा हूँ कि सिर्फ कचरे भरे पड़े हैं, किसी ने नहीं छोड़ा, सिर्फ रानू दी लिख करके हैशटैग डाल के अपने वीडियो को व्यू बढ़ा रहे हैं। क्या हो जाएगा इस व्यू से, आपको कोई पैसे तो मिल नहीं रहे हैं अभी। और लेकिन आप सोचो कि जिस दिन आप मेच्योर होगे, आप बड़े हो जाओगे, जेंटलमैन हो जाओगे, आपके बच्चे और उनके बच्चे जब देखेंगे तो कहेंगे नहीं कि दादाजी ये काम करते थे, मामा जी ये काम करते थे और नाना जी ये काम करते थे। तब आप सोचा है आपने कि क्या कंडीशन होगी, क्या इज्जत रहेगी आपकी। तो प्लीज़ सोचिए कि ये सोशल मीडिया है, ये वीडियो आपके कहीं डिलीट नहीं होने वाले, ये रहेंगे यहीं कहीं ना कहीं, किसी ना किसी कोने में पड़े रहेंगे, आज निकल फिर से वो 10 साल बाद भी। आपने गाना सुना तेरी प्यारी प्यारी, ऐसे ऐसे वाला, तो वो गाना 5 साल पहले की रिकॉर्डिंग है और अभी वो हिट हो रही है। तो आप सोचो कि आप भी किसी भी ज़माने में आप भी हिट हो सकते हैं, फेमस हो सकते हैं, लेकिन किस चीज़ से, किसी अच्छी चीज़ से हुई है। मेरा कहना है कि रिस्पेक्ट करिए उन सब चीज़ों की जो आप नहीं कर सकते, अगर आप कर सकते हैं तो करिए, और अगर आप नहीं कर सकते तो प्लीज़ रिस्पेक्ट करिए हिमेश रेशमिया जी की, उन्होंने बहुत अच्छा किया, अतेंद्र जी की उन्होंने बहुत अच्छा किया, रानू दी की उन्होंने बहुत अच्छा किया, तो आप भी थोड़ा अच्छा करिए। मेरा सिर्फ ये कहना था कि आप लोग देख रहे होंगे ये जो साइड में प्ले हो रहा है वीडियो, क्या चीज़ लेकर के आए हैं, क्या घटिया क्वालिटी, मतलब घटिया वीडियो बना दिए हैं लोगों ने, मेम्स बना रहे हैं। मेरा कहना है कि इनके लिए तो मेम्स मत बनाओ, प्लीज़ अपना करिए, खुद का मेम्स बनाइए, घर वालों का मेम्स बनाइए, तब आपको पता चले। आपको अगर सिर्फ व्यूज़ चाहिए तो कंट्रोवर्सी पे पड़िए, लेकिन जो कर रहा है, अच्छा कर रहा है, उनके पीछे मत लगिए आप टिकटॉक वाले। मैं टिकटॉक पसंद करता हूँ, मैं खुद डाउनलोड किया है, बट अब मैं टिकटॉक पे मतलब जो मेरा मन ख़राब था पहले से, वो और ख़राब हो चुका है। तो प्लीज़ मेरा अगर कोई भी फॉलोअर है, आपको अगर ख़राब लगा होगा तो वीडियो को डिसलाइक करिएगा, और अगर पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा। अगर मेरे बात से आप वाकिफ रखते हैं कि मैंने सही कहा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ये गाना जैसे इनका आने वाला है तो मुझे लगता है हिट तो ऐसे ही होनी है, लेकिन आप लोग भी सपोर्ट करेंगे तो नए लोगों को ऐसे ही मौका मिलता रहेगा। कैसा लगा मेरा ये वीडियो, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।